स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गोजी पर। और बेटा बुक की दिक्कत की होने की वजह से बुक थोड़ी खो गई है, तो पिक्स से करवाना पड़ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था, अभी देखो आई होप इसे अच्छे समझ में आ जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 में स्टार्टिंग में कह रहा है स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। यहाँ क्या होगा, एसेट साइड में कैश नाम से 1,20,000 और उधर कैपिटल नाम से 1,20,000। उसके बाद है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 का गुड्स नगद खरीदा तो स्टॉक का ऑप्शन आ जाएगा एसेट साइड में 10,000 वहाँ पर और कैश में से 10,000 माइनस। रेंट रिसीव 5,000, तो ये कैश में भी 5,000 प्लस और कैपिटल में भी 5,000 प्लस। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस का अकाउंट खोलेगा और 2,000 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 का है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का ऑप्शन आएगा एसेट साइड में और 1,000 कैश में से माइनस होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपये प्लस होगा कैश में और 700 ही कैपिटल में। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 का 7,000 में। इसमें क्या होगा, इसमें 5,000 का स्टॉक 7,000 में बेचा, यानी कि 2,000 का जो फायदा हुआ है वो तो सीधा सीधा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 5,000 का गुड्स माइनस हो जाएगा, यानी कि स्टॉक में से 5,000 माइनस और 7,000 कैश में प्लस। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी कि 500 रुपये का गुड्स जल गया हमारा, तो स्टॉक में से 500 माइनस और कैपिटल में से 500 माइनस। इतना करने के बाद आपका जो एसेट साइड है उसका कैश का अमाउंट आएगा 1,21,700, स्टॉक का आएगा 4,500, प्रीपेड एक्सपेंस का आएगा 1,000 और लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 और कैपिटल 1,25,200। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8A में देखो, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और गुड्स से, यानी कि 75,000 का कैश है और 25,000 का गुड्स है, यानी कि स्टॉक में 25,000 आएगा, कैश में 75,000 आएगा और दोनों को जोड़कर कैपिटल में आएगा 1,00,000 रुपये। उसके बाद पेड रेंट 2,000, 2,000 का रेंट पेड किया तो कैश में से माइनस 2,000 और कैपिटल में से माइनस 2,000। बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड फॉर क्रेडिट 44,000, यानी कि टोटल जो गुड्स खरीदा है वो खरीदा है 30,000 में 44,000 ऐड करोगे 74,000 का, तो 74,000 तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा, कैश में 30,000 माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में 44,000 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि 50,000 का 25% होगा 12,500, यानी कि टोटल बेचा है 62,500, जिसमें से 27,500 रिसीव हुए हैं इन कैश, यानी कि 27,500 ऐड होगा कैश में और एसेट साइड में ही डेटर्स के नाम से एक ऑप्शन ओपन होगा, वो आएगा 35,000, क्योंकि 35,000 रुपये भी हमारे पास और आने हैं। फिफ्थ वाला है परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी, हालांकि बिजनेस में ये कहीं शो नहीं होगा लेकिन हमारा जो कैश और कैपिटल है वहाँ से हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। बच्चे सोच रहे होंगे 12,500, ये बेटा फोर्थ वाले पॉइंट में जो 12,500 का फ़ायदा हुआ था ये हमारा कैपिटल में भी ऐड होगा, है ना। ठीक।